Good evening, students. Good evening, ma'am. So today we are going to start adverb. Okay, ma'am. आज हम लोग जानेंगे कि adverb है क्या और इसका use कैसे करना है. तो सबसे important है we need to understand that what is an adverb और इसकी जो है पहचान क्या है. So first of all, write down the question. What is an adverb? तो अगर कुछ भी सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए होता है. रिक्वायर टू थिंग्स. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. नो, वर्ब. राइट इट डाउन. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. बिना सब्जेक्ट और वर्ब के जो है कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, जस्ट गिव एन एरो. सब्जेक्ट के नीचे एक एरो दो एंड राइट नाउन. इसका मतलब संज्ञा. और नाउन के नीचे लिखो प्रनाम यानी कि सर्वनाम. मैम अगेन गिविंग एरो नाउन. या राइट द राइट लाइक द वे यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, तो नाउन और प्रनाउन में दोनों में ही नाम इस्तेमाल होता है, नेम इस्तेमाल होता है, है ना? यस सर. तो नाउन या प्रनाउन जो भी है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. वी कैन सी थ्रू एग्जांपल. सो राइट इट डाउन. एग्जांपल, एग्जांपल में सीरियल वाइज राइट डाउन द नेम. फर्स्ट में लिखो राकेश. यू कैन राइट नीचे में प्रिया. ओके, शर्मिला. नेक्स्ट एंड राहुल. अब सर सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब चाहिए. यस. तो वर्ब के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? राकेश प्ले. जैसे कि राकेश है तो वी कैन राइट प्लेस यानी कि खेलना. राकेश खेलता है. पूजा सिंग्स. ओके, प्रिया ना, प्रिया सिंग्स. शर्मिला डांसेस. आमिर राइट्स. राहुल राइट्स. तो राकेश खेल रहे. ओके, प्रिया जो है गाना गा रही है. शर्मिला नाच रहा है और राहुल जो है वो लिख रहा है. तो इसमें क्या है? मीनिंग भी निकल रहा है, सेंस भी निकल रहा है. इसमें सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया. आया ना? यस मैम. तो हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, वी अंडरस्टूड दिस. समझ में आया? यस मैम. तो मान लो कि ये तुम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब जो है एडवर्ब क्या है, यानी कि अगर हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को भी मिला करके जो एक सेंटेंस बना रहे हैं. yes, तो अगर मान लो कि हम लोग एडवर्ब इसमें ऐड नहीं कर रहे, सो वी कैन ऑल्सो मेकिंग अ सेंटेंस विच मेकिंग सेंस. है ना? सेंस बना रहे हैं. तो ये क्लियर है कि एडवर्ब इज नॉट मैंडेटरी. क्लियर है ना? यस. एडवर्ब जो इसमें क्या है, मैंडेटरी नहीं है. लेकिन एडवर्ब का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है. ओके, क्या समझा फैजान? व्हाट यू अंडरस्टूड? मैम मैम, मैं ये समझा कि एडवर्ब को बिना मिलाए ही एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मेक सेंस. यस मैम, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब डालना जरूरी हो. और मैम एडवर्ब जो है एक सब्जेक्ट का. एडवर्ब इज नॉट मैंडेटरी. एडवर्ब जो है एक सेंटेंस को बनाने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं. जैसे कि आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि मम्मी है. मम्मी को अब आपको किसी चीज़ के लेकर के कन्वेंस करना है. ठीक है, किसी चीज़ के लिए, सामान के लिए, टॉयज के लिए, गेम्स के लिए, वॉट एवर द थिंग्स. सो यू वॉन्ट टू कन्वेंस योर मदर. तो मम्मी को कन्वेंस करने के लिए इफ़ यू विल गो टू योर मदर एंड से मम्मी आई लव यू, तो मम्मी को लगेगा ठीक है यू लव मी. लेकिन अगर तुम बोलोगे मम्मी आई रियली लव यू, तो उसमें क्या होगा? सेंटेंस भी चेंजेस आ रहे हैं. और ऐसा क्या है कि उसमें लग रहा है कि हाँ सच में मम्मी को प्यार करते हैं.
अब किसी को कुछ पूछते हैं जैसे कि डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक चॉकलेट, ऐसे करके पूछ रहे तो बोलेंगे यस आई डू या यस आई लाइक। तो इसमें इतना ज्यादा क्या है, सच्चाई नहीं है। नहीं सच्चाई नहीं, इसमें क्या है वो चीज मॉडिफाई दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे यस आई रियली लाइक चॉकलेट, सच में तो इसमें क्या लिख रहे हैं कि सच में मैं को चॉकलेट जो है बेहद पसंद है। समझ में आ रहा है ना? yes, इसमें क्या हो रहा है वो एडवर्ब एड लिख रहा है, यानी कि वर्ब को वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अंडरस्टूड? राइट इट आउट। और आई लाइक आइसक्रीम में आइसक्रीम इज एन ऑब्जेक्ट। आइसक्रीम क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई है क्या? सब्जेक्ट है। आई क्या है? राइट इट डाउन। आई आई के ऊपर या नीचे कहीं भी जस्ट मेंशन इट सब्जेक्ट। लाइक क्या है? वर्ब है ना? यस मैम। आई लाइक आइसक्रीम। या तो अगर आई रियली लाइक आइसक्रीम बोलेंगे तो रियली ने क्या किया यहाँ पे, काम को बदल दिया, चेंज कर दिया, यानी कि लाइक को वो मॉडिफाई कर दिया। किसने मॉडिफाई किया? रियली। और रियली क्या है? एडवर्ब। वेरी गुड। लाइक राइट डाउन द सेकेंड एग्जाम्पल। यू आर ब्यूटिफुल, लेकिन यू आर ब्यूटिफुल आप किसी को बोल रहे हो तो वहां पे काम नहीं चल रहा है। लेकिन इफ यू आर सेइंग यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल तो वहां पे क्या हो रहे हैं? मैम उसको बोल रहे कि आप एकदम ब्यूटीफुल है, रियली आई दिख रहा है। एग्जैक्टली। तो ये क्या है? एडवर्ब। हाँ तो ये जो एडवर्ब है इसमें क्या हो रहा है, सेंटेंसेस में चेंजेस आ गया है और एडवर्ब मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को। ओके और एडवर्ब है क्या? तो एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया ऐसे वर्ड जो किसी भी वर्ब की खासियत को बताती है, विशेषता को बताती है, वर्ब को मॉडिफाई करती है। ओके यू कैन राइट डाउन द एक डेफिनेशन आल्सो। वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब। वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब। तो जहां पे यू हैव रिटेन राकेश प्लेस मैम और क्वालिफाइड। या अच्छा यहाँ पे तो हम लोग बात करें कि राकेश प्लेस, लेकिन क्या पता चल रहा है कि राकेश खेलता कैसा है? नो मैम। सो राइट इट डाउन स्लोली। राकेश प्लेस के बगल में यानी कि वो स्लो खेलता है, आराम से खेलता है ना? अब नेक्स्ट जो है प्रिया सिंग्स, है ना? प्रिया गाना गाती है पर कैसे गाना गाती है? मैं कैन से बनी क्या ब्यूटीफुली। यस यू कैन से ब्यूटीफुली, लाउडली, स्लोली, लाउडली, राइट लाउडली। इसमें जो है किसके बारे में पता चल रहा है? वर्ब के बारे में पता चल रहा है कि प्रिया गा रही है पर वो कैसे गा रही है, वो चिल्ला चिल्ला के गा रही है, ऐसा गा रही है कि सर में दर्द हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज शर्मिला डांसेस। तो ये कैसे डांस कर रही है? एक्साइटेडली, एक्साइटेड हो करके डांस कर रही है। देखो ये सारा क्वालिटी जो है कौन बता रहे हैं? यस एग्जैक्टली, क्योंकि वर्ब का ये मॉडिफाई कर रहे हैं, उन सब का जो क्या कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। ओके यस डन। यस ओके नेक्स्ट वन इज राहुल राइट्स। राहुल राइट्स कैसे लिखता है वो? ब्यूटीफुली। एग्जैक्टली यू कैन राइट ब्यूटीफुली, यानी कि खूबसूरत तरीके से जो है राहुल लिखता है। That is not most important. क्रिया बताना, खासियत बताना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एलवाई लगा दोगे तो मैंडेटरी है। वो आपको देखना होगा मैनर, क्वालिटी, प्लेस, हर एक चीज को देख करके आपको वो वर्ड्स लगाना है। ओके नाउ नेक्स्ट इज
तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया? यस यस, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब में और एक पॉइंट यू कैन राइट, गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ब। एडवर्ब क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है जो वर्ब के रिलेटेड हो, वो गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ब। यानी कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोली हो रहा है, लाउडली हो रहा है, एक्साइटेडली हो रहा है, ब्यूटीफुली हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कैसे हो रहा है, ये कैसे का आंसर है। ओके, डन? यस मैम। गुड। अभी तक है, सो अभी तक पता चला कि एडवर्ब का जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। yes, ये सेंटेंस के अंदर है, बता रहे हैं कि काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। हाउ मच? यस मैम। कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई? ओके, और कब हो रहा है, व्हेन? अंडरस्टूड? यस यस मैम। तो इस तरह के सवालों का जवाब जो हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, इस वर्ब, इस वर्ड से मिल रहा है। ओके, एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। This is the definition of an adverb. You can write an adverb. What is an adverb? So an adverb is a word in a sentence that describes a verb. Ma'am, is a word? An adverb is a word in a sentence that describes a verb. तो एडवर्ब का काम जो है सिर्फ वर्ब का ही खासियत बताना नहीं है। ओके, तो इसका काम जो है और भी कुछ है, तो इसका काम और क्या है, ये एडजेक्टिव का भी खासियत बताता है जिसे हम विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल आया है, गिवन यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल या यू आर ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, जैसे कि वेरी या रियली जो है वो एडवर्ब हो गया और ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है क्योंकि ये तारीफ कर रहा है। ओके, राइट इट डाउन, ब्यूटीफुल जो किसी की तारीफ करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि काला, गोरा, छोटा, मोटा, पतला, शॉर्ट, फैट, टॉल, थिन, तो ये बता रहे हैं क्वालिटीज को, तो उनको भी जो है एडजेक्टिव बताते हैं क्योंकि वो खासियत बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके बताना, तो वो भी सब कोई क्या हो गया, एडवर्ब बोल रहा है, है ना, तो ये ब्यूटीफुल की खासियत को बता रहे हैं, एडवर्ब बता रहे हैं एडजेक्टिव की खासियत को। ओके, लाइक यू कैन राइट नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो, आई एम स्लाइटली लेट। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा लेट। नेक्स्ट इज शी इज इनक्रेडिबली हैप्पी। अगर शी इज हैप्पी होता तो इसमें जो है सिर्फ जो है वर्ब है ना, लेकिन इनक्रेडिबल अगर लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है हैप्पीनेस की डिग्री जो है बहुत बदल गई, है ना। yes. तो हैप्पी क्या हो गया, हैप्पीनेस की डिग्री बदल गई, एडजेक्टिव हो गया, हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण था। ओके, शी इज हैप्पी जो है नॉर्मल, और इनक्रेडिबली लगाने से हैप्पीनेस का डिग्री जो है बढ़ गया, समझ में आया। yes. तो हैप्पी के इसमें क्या बता दी, इसमें खासियत बता yes. दी। तो एडवर्ब में सिर्फ वर्ब के साथ सिर्फ काम नहीं होता, एडवर्ब में इसमें एडजेक्टिव के साथ भी काम किया जाता है। यू कैन राइट डाउन द अनदर डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस, एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, an adverb is a word in a sentence that describes a verb or adjective. Mm-hmm. Good.
तो समझ में आ गया वर्ब, इसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की खासियत को बताया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर इसमें किसकी खासियत बताई जाएगी? वर्ब की। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ सेंटेंसेस राइट इट डाउन। इसमें सेंटेंसेस में एडवर्ब का यूज किया गया है। अब तुमको पहचानना है कि कौन सा वर्ड जो है इसमें एडवर्ब है। ओके राइट, शी स्माइल्स हैप्पीली। नंबर टू, ही शाउट्स लाउडली। स्माइल्स क्या हो गया? स्माइल्स हो गया मुस्कुराना, है ना? लेकिन बहुत ही खुशी के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट कैसी थी? छोटी नहीं थी, खुशी के साथ थी। तो हैप्पीली क्या हो गया यहाँ पे? बहुत ही ज्यादा हैप्पी और यंग। हैप्पीली क्या हुआ ये बताओ? एडवर्ब हो गया। मार्गरेट, ही शाउट्स लाउडली। वो चिल्लाया, कैसे चिल्लाया? लाउडली चिल्लाया। चिल्ला के मैम इसमें लाउडली होगा। यस, अंजलि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अंजलि इंग्लिश बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है। तो फ्लुएंटली क्या काम किया यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब का काम किया? फ्लुएंटली का मतलब बहुत अच्छे से बोलती है, ठीक है? यस। नेक्स्ट वन इज माई पापा स्पोक टू अस एंग्रीली। माई पापा स्पोक टू अस एंग्रीली। पापा अगर जो है बात करते तो ठीक था, लेकिन पापा यहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं? एंग्रीली, यानी कि गुस्से से बात कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। यू ड्राइव केयरलेसली, इसमें क्या है एडवर्ब? केयरलेसली, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज ओके, ही डांसेस रियली वेल। ही डांसेस रियली वेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो डांस करता है, लेकिन कैसे करते हैं? यहाँ पे रियली वेल जो है दो एडवर्ब है ना? डांसेस ठीक था, लेकिन रियली और वेल, यानी कि एडवर्ब में ही एडवर्ब की जो है खासियत को बताए, है ना? यहाँ पे दो दो एडवर्ब, रियली भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है। समझ में आया? तो एडवर्ब का जो इस्तेमाल है वो एक सेंटेंस में दो दो एडवर्ब का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है? तो अब एडवर्ब का जो है कंप्लीट मीनिंग पता चल गया। एक सेंटेंस में क्या हम लोग दो दो एडवर्ब वी कैन बी यस मैम। ओके, सो फॉर टुडे, आज के लिए टिल देन वी हैव डन दैट मच। For next class, we will see the types like manners, quality and everything. Okay, thank you. Bye.